लोगों को घर में बैठने के लिए कहा गया है। 21 डेज का टोटल लॉकडाउन है पूरे देश भर में। अपने अपने लेवल के ऊपर पूरी कोशिशें जारी है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लोग पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी के अंदर सबसे पहले जो एक सवाल खड़ा होता है वो ये है कि जो गरीब आदमी है, वो इंसान जो दिन में मेहनत है या डेली वेजर जैसे हम कहते हैं, उनका क्या होगा? दुकानें अगर खुली भी होगी तो चूंकि उनके पास इतना पैसा है वो 21 दिन का अनाज खरीद सके, चल सके, ये एक सवाल है। और इसी का जवाब ढूंढने के लिए आज अपने अपने स्तर के ऊपर जितने एनजीओज हैं, जितने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने लेवल के ऊपर कोशिश कर रहे थे। एक कोशिश हमने भी शुरू की है जिसके तहत हम लोग फूड पैकेट्स तैयार कर रहे हैं, जिसमें चावल है, जिसमें हम आटे का एक पैकेट है, जिसमें चना दाल है, जिसमें मूंग दाल है, शक्कर है, तेल का डब्बा है, ऐसा जितना भी ये स्टॉक हम यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, इस तरह की पैकिंग करके अलग अलग फूड पैकेट्स तैयार करके जिस किसी इलाके के अंदर जो इस तरह के ज़रूरतमंद लोग हैं, इस तरह के लोग बहुत हैं और किसी अकेले एक एनजीओ से ये मुमकिन नहीं हो सकता है। बहुत सारे एनजीओज भी अगर एक साथ मिलकर आए तो ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक लोगों कि उनके घर का चूल्हा भी जल रहा है, आवाम एक साथ मिलकर नहीं आती है, जब तक पूरे लोग एक साथ मिलकर नहीं आते हैं ये काम को मुमकिन है। इसीलिए हम अपने साथ मिलकर आए और इस तरह के किट्स तैयार करके लोगों के घरों तक पहुंचाए। अपने अपने मोहल्ले के अंदर अगर हम छोटे छोटे किचन्स भी अगर तैयार करते हैं, कम्युनिटी किचन, तो वो किचन के जरिए एक बात जो सामने आई है, कल रात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये फैसला किया कि 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन होने वाला है, उसके फौरन बाद बहुत सारी दुकानों के ऊपर देखा गया है कि बहुत भीड़ लगी हुई है और जो मार्केट है, मार्केट के अंदर जो बड़े व्यापारी है, वो व्यापारी कुछ ऊंचे दामों के ऊपर अनाज बेच रहे हैं। ये मेरे हिसाब से अगर आज ये जितने भी इकदाम उठाए जा रहे हैं एक वायरस को दूर करने के लिए, कोरोना वायरस को दूर करने के लिए, इसलिए मैं औरंगाबाद व्यापारी महासंघ जो है उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने लेवल के ऊपर इस तरह के अगर कोई दुकानदार अगर ऐसे मुश्किल घड़ी के ऊपर पैसा बनाने की सोच रहा है, तो मेरे नज़र के अंदर ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक ये लोग हैं, इनके ऊपर चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी मुश्किल घड़ी के अंदर भी ये पैसा कमाने की सोच रहे हैं, जबकि हर इंसान अपने लेवल के ऊपर ये कोशिश कर रहा है कि हम कोरोना वायरस से कैसे दूर रहें। तो एक तरफ हम कोरोना वायरस से निपट रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे व्यापारी जो ऐसे मुश्किल घड़ी के ऊपर भी अगर अपने धंधे के बारे में सोच रहे हैं, तो पैसा कैसा कमाने का सोच रहे हैं, हमने अपने तमाम लोगों से ये कहा है कि ऐसे जो दुकानदार है या जो बड़े व्यापारी है जो ये ऐसा वक्त के ऊपर पैसा बनाने की सोच रहे हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करें, इन लोगों को हम एक्सपोज करेंगे और एक्सपोज करने के बाद ये कोरोना वायरस तो कुछ दिन के लिए है, हम औरंगाबाद की तमाम जनता से ये अपील करेंगे कि ऐसे दुकानदारों का बॉयकॉट करें जो ऐसे मुश्किल घड़ी के ऊपर लोगों से पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी शिकायतें हमारे सामने भी आई है, मैं साथ ही साथ औरंगाबाद की पुलिस को, प्रशासन को ये अनुरोध करूँगा, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर्स को ये अनुरोध करूँगा कि जाकर ऐसे दुकानों के ऊपर छापे मारे, और अगर हमारे जानकारी के अंदर ये अगर आता है कि ये दुकानदार MRP से ज़्यादा का रेट ले रहा है, तो हम प्रशासन से, पुलिस से अपील करेंगे कि ऐसे दुकानदारों के ऊपर छापा करें, छापा मारे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग किराए के मकानों में रहते हैं, जब उन्हें पगार मिलती है तो वो अपना किराया अदा करते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने बैंक के इंस्टॉलमेंट्स देना है, कहीं से कर्ज लिए हुए हैं वो इंस्टॉलमेंट देना है,
जब पैसा आ ही नहीं रहा है क्योंकि काम ही नहीं हो रहा है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा और वो इंस्टॉलमेंट कहाँ से देगा। तो इसके अंदर रिलैक्सेशन दिया जाए, और अगर कोई इस तरह का कोई ज़बरदस्ती कोई पैसा मांग रहा है, कोई किराएदार मकान मालिक अगर किसी किराएदार को खाली करवा रहा है, तो उसकी भी जानकारी हमें दे। हम ऐसे लोगों से अपील करना चाहेंगे कि इस मुश्किल घड़ी के अंदर सभी लोगों को साथ में मिलकर आने की ज़रूरत है। मैंने खुद ने पर्सनली जिलाधिकारी साहब से बात किया था और ये कहा था कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर काम जारी है। सिर्फ वालूच की अगर हम बात करते हैं तो 3 लाख ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर काम करते हैं, लेकिन किसी न किसी बहाना बताकर ये इंडस्ट्री को चालू रखा गया था। बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे भी सामने पाए गए कि जो सामने से बंद कर दिए हैं लेकिन पीछे से एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया है, और एम्प्लॉयज़ को ये कहा गया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होंगी, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जिलाधिकारी ने पर्सनली ऐसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर गए और वहाँ पर जाकर इंडस्ट्रीज़ को फाइन किया गया है, बल्कि FIR तक रजिस्टर की गई है। तो हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। अब भी अगर कोई इंडस्ट्री चालू रह रही है तो आप हमें जानकारी दीजिएगा, हम प्रशासन के जरिए है तो वो इंडस्ट्री बंद करने की हम कोशिश। आखिर में जाते जाते मैं औरंगाबाद की पूरी पुलिस टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम डॉक्टर्स का, मेडिकल स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग दिन और रात काम कर रहे हैं हमारे लिए। देखिए, अगर एक पुलिस वाला सड़क के ऊपर निकलता है तो उसका परिवार भी चिंतित रहता है, क्योंकि ये कोरोना वायरस ये पूछकर नहीं आएगा कि ये पुलिस वाला है, ये पत्रकार है, ये नेता है या ये डॉक्टर है, वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है, हम चाहते हैं कि औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर कम से कम पुलिस वाले रहे। वो उसी वक्त मुमकिन होगा कि ज़्यादातर आवाम ये तय कर ले कि नहीं, हम घर में रहेंगे। आप बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए पुलिस वालों को भी बाहर निकलना पड़ रहा है। आप अगर जितना घर में रहेंगे उतना ही हमारी सड़कों के ऊपर वीरान रहेगी सड़कें, पुलिस वाले कम रहेंगे। तो ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे वक्त के ऊपर जो भी हमें निर्देश दिए जा रहे हैं उन निर्देशों का हम पालन करें, और इस मुश्किल घड़ी के अंदर हम कंधे से कंधा लगाकर लोगों के साथ खड़े रहे। एक अकेला थक जाएगा, अगर हम मिलकर अगर ये बोझ उठाते हैं तो यकीनन औरंगाबाद शहर को हम कोरोना वायरस से दूर रख सकते हैं। और ये ख्याल रखा जाएगा कि औरंगाबाद शहर में, मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि एक भी इंसान ऐसा नहीं रहेगा जो भूखा सोएगा। अगर हम खाएंगे तो हमारा पड़ोसी भी खाएगा, हम खाएंगे तो औरंगाबाद में किसी भी घर के अंदर चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हम पूरा ख्याल रखेंगे और इसके अंदर हमें पूरा यकीन है कि औरंगाबाद की आवाम, औरंगाबाद की जनता इसमें हमें पूरा साथ देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।